नांदेड़ शहर के नए मोड़े इलाके में वाक़े कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर कारकुनान व जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ लीडरान को मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ सुपुर्द की गई। इसी तरह नांदेड़ शहर के मशहूर व मारूफ समाजी खिदमतगार और कांग्रेस पार्टी के लीडर एडवोकेट मसूद हुसैन की खिदमत को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के आला कायदीन ने एडवोकेट मसूद हुसैन कांग्रेस शहर जनरल सेक्रेटरी के अहदे से नवाजा। इस मौके पर पार्टी का एक तहरीर मकतूब भी पेश किया गया। इस मीटिंग में MLA मोहन राव हम्बडे, शहर सदर अब्दुल सत्तार, शहर तर्जुमान और साबिका कारपोरेटर मुंतजिबुद्दीन, साबिका डिप्टी मेयर मसूद अहमद खान, साबिका डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार के अलावा साबिका कारपोरेटर्स व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। दक्षिणचे आमदार मोहन आंबडे, शरीर परे महेश देशमुख, आदित्य कुरेशी, सुरेश शंकर, सत्यपाल सावंत, बालाजी चव्हाण, मसूद खान, प्रफुल्लदादा सावंत, जीपी पाटील, गंगाधरराव सोनकांबळे सरदार, चलिए ठीक है ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझे नांदेड़ शहर कांग्रेस कमेटी की जानिब से शहर सरचिटनीस की पोस्ट से नामज़द किया गया है और मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है। और इसके लिए तो सबसे पहले मैं शहर महानगर सदर कांग्रेस कमेटी नांदेड़ ज़िला अलहाज अब्दुल सत्तार साहब और कारगुजार सदर शमीम अब्दुल्ला साहब, अखिलियती सदर मसूद अहमद ख़ान साहब और माजी उपमहापौर अब्दुल गफ्फार साहब और नांदेड़ दक्षिण के हरदिल अज़ीज़ आमदार मोहन राव हम्बडे अन्ना और तमाम ही पार्टी के ज़िम्मेदारान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और साथ ही साथ ये कहना चाहूंगा कि जो मुझे ज़िम्मेदारी दी गई है मैं इंशाल्लाह इसको बखूबी अंजाम दूंगा। जैसे पहले भी हम पार्टी के अंदर पूरी होनेस्टी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते आए हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से और हॉनेस्टी से इंशाल्लाह पार्टी के लिए काम करेंगे। जिस तरह से हमने लोकसभा में भी अवाम में चल फिर कर अवाम में बेदारी का हमने काम किया है, पार्टी को कांग्रेस पार्टी के वोट करने के लिए हमने कहा था और जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ शहर में लोकसभा में सीट कामयाब हुई है। और तमाम ही मैं आज इस मौके पर मैं तमाम नांदेड़ के अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने लोकसभा इलेक्शन में अपने हक राय दही का सही इस्तेमाल किया जिसके नतीजे में उनको कामयाबी मिली है। और आइंदा अभी जो विधानसभा असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी हम इंशाल्लाह नांदेड़ की अवाम से उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह कांग्रेस का साथ देंगे, चूँकि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और महाराष्ट्र के अंदर इंशाल्लाह अगर आइंदा दिनों में अगर विधानसभा में कांग्रेस की अगर हुकूमत बनती है या जो अलायंस बना है उसकी अगर हुकूमत अगर बनती है तो इंशाल्लाह सभी समाज को एक न्याय मिलेगा, एक इंसाफ मिलेगा। जिस तरह से आज तक जो है सो इस समाज को दूर रखा गया है और उसी तरह से एक पार्टी की जानिब से भी एक यहाँ पर एक बात रखी गई है यहाँ के नांदेड़ कांग्रेस कमेटी की जानिब से कि हाईकमांड के पास में बात रखी जाएगी कि आने वाले दिनों में नांदेड़ शहर से एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह एक नांदेड़ शहर से एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाएगा। हम नाना पटोले जी से भी ये इस बात की अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं ताकि अगर एक उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार अगर दिया जाएगा तो इंशाल्लाह हम इस बात की उम्मीद है कि आने वाली विधानसभा में नांदेड़ के 9 सीटें इंशाल्लाह अक्सरियत के साथ कामयाब होंगी। और हमें इस बात की पूरी उम्मीद है नाना पटोले जी से और मैं नाना पटोले जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्हीं के हिदायत पर और हमारे अब्दुल सत्तार साहब की मौजूदगी में आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है इंशाल्लाह मैं इसको अच्छी तरह से निभाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।